अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खरीत से अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खरीत से। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने। काले चने हम आज मुख्तलिफ तरीके से बनाने जा रहे हैं। ये मैंने काले चने लिए, बिल्कुल कच्चे ही। इसको मैंने सिर्फ वॉश किया है, भुगो के नहीं रखे। अभी जैसे मेरे पास टाइम कम है कि आपने बनाने, आपने पकवाने भी अपने काले चने हैं और आपके पास टाइम कम है तो भुगो के रखने के लिए आपके पास 3-4 घंटे नहीं है। तो इस तरह ये मैंने चने लिए और ये पाइया चने हैं। मैंने 2 किलो पानी अपने कुकर में प्रेशर में डाला, ये देखें, उसमें मैंने चने डाल दिए और ये 2-3 मैंने प्याज लिए, उनको मैंने मोटा मोटा काटा, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। ये 2 टमाटर लिए, उनको भी मैंने मोटा काटा। ये 3-4 मिर्चें मैंने डाली इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच भर कर, क्योंकि ज़्यादा डलता है इसमें। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च का। ये रही हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम भर के डालेंगे इसमें नमक का, बस। और कोई चीज़ नहीं हमने इसमें डालनी। इसको अब हमने तकरीबन आधा घंटा प्रेशर लगाना है। आधा घंटा प्रेशर लगाने के बाद हमने खोल के देखना है। और वैसे भी आप हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें पानी है कि नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आधे घंटे में ये पानी बिल्कुल हमारा खुशक हो जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं कि आज एक नए तरीके के साथ काले चने हम कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, मैंने प्रेशर लगा दिया है, इसके नीचे आग जला दी है तकरीबन। अब जब प्रेशर सीटी बोलने लगेगी ना, वेट बोलेगा, तो इसको उस वक्त हमने आधा घंटा मेंशन करना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे चने, देखें तकरीबन थोड़ा सा पानी रह गया है। और ये मैंने बिल्कुल आपके सामने कच्चे चने डाले थे, ये देखें कैसे एकदम गल गए हैं सारे। अब हम इसको ढक्कन उतार के ही ऐसे रखेंगे ऊपर चूल्हे के, और इसका पानी जो है वो खुशक करेंगे। फिर हम इसको भूनते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे अच्छे तरीके से चने गल चुके हैं। जो पानी है ना, हम इसको इस तरह से अलहदा भी निकाल सकते हैं, ये देखें, क्योंकि चने बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, इसलिए मैं पानी ये दोबारा चने भून के इसके में ऐड करूँगी, क्योंकि पानी ज़ाया नहीं करना। ये देखें जी, ये पानी मैंने ना भून के निकाल लिया पानी की मदद से। अब मैं चनों को, ये देखें, इसको को चूल्हे के ऊपर रखती, जो थोड़ा सा पानी है वो खुशक होगा और इसी में हमारे ये जो प्याज है गल चुका है वो मेल्ट हो जाएगा। और हम इसमें घी डाल के इसकी भुनाई करते हैं। हम आपको मैंने अब तेज़ आंच करके ये जो पानी है ना उसको मैंने खुशक करना है। और हमारे चने माशाल्लाह से देखें किस तरह फट गए एकदम से, बिल्कुल ये हमारे कच्चे चने थे, 1 मिनट भी पानी के अंदर नहीं इसको रखा था। और माशाल्लाह से कभी आपका ऐसे मूड बन जाए जल्दी से कि हमने चने खाने हैं, चने और बकरे के पाए, चने का शोरबा और बकरे के पाए का शोरबा एक ही बराबर है। आप लोगों ने सुना भी होगा बड़ों से कि कहते हैं कि पाए खा लें या चाय काले चने का शोरबा पी लें, ये माशाल्लाह वैसे ही ताकत वाला होता है। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर दिए हुए हैं। इस पर अब हम ऐड करेंगे ऑयल, बस इतना सा, ज़्यादा ऑयल भी नहीं हमने डालना। इसको हम अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं जब ये घी इसका पानी घी छोड़ देगा, जो मसाला जो होगा वो भून के, तब हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा इंतज़ार करें जी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी, मेरी रेसिपी कैसी लगती है टी एम कुकिंग की, और कमेंट में बताया करें ज़रूर। हमारे चने अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं वही पानी ऐड करूंगी इसमें जो हमने इसके ऊपर से नतारा था, निकाला था इसका पानी, ये चनों वाला पानी मैं इसमें डालूंगी। और हम इसको, ये थोड़ा लगता है इतना ही पानी में 1 गिलास और डालती हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा शोरबा इसमें अच्छा लगता है। ये रहा है, ये आधा इसको हम दरमियानी आँच पर पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे चने बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने प्यारे हमारे चने पक गए। ये देखें इसका शोरबा, और ये चने भी बिल्कुल हमारे गले हुए हैं। अब हम आपको इसमें ना थोड़ा सा हम डालते हैं ज़ीरा पाउडर और धनिया पिसा हुआ, ये थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन गड्ढे के लिए ये अच्छे नहीं होते, मसाले कम ही डालने चाहिए। ये थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं धनिया,
और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें, हम उसका नियमतों का कोई शुक्र अदा नहीं कर सकते। आए हम आपको डाल के दिखाते हैं डिश में। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारे चने गल चुके हैं। ये देखें मैं आपको पहले चने डाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे अच्छे तरीके से चने हमारे गले हुए हैं। और ये देखें ये कितने जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। और अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, आपके कारोबार में, आपकी दुनिया आखरत में बरकत डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।